हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन का, जो कि एनटीपीसी ने रिलीज किया है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एनटीपीसी ने। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इस जो आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम होना था वो लास्ट ऑलमोस्ट 20 मंथ से पेंडिंग था। तो इसका देखिए एग्जाम जो शेड्यूल है फॉर CBT 1 वो आ चुका है, ठीक है। तो इसके लिए आपको देखना क्या है, आपको देखिए यहाँ पे देख सकते हैं द फर्स्ट स्टेट सीबीटी विल बी हेल्ड इन मल्टीपल फेजेस। आप देखिए क्योंकि COVID-19 जो चल रहा है, जिसकी वजह से जो है इतना ज्यादा क्राउड इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, तो इसी COVID-19 गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए जो आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम है उसे डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड कर दिया गया है। तो अब बात करते हैं कि ऑलमोस्ट 1.25 करोड़ जो है एलिजिबल कैंडिडेट्स है। अब डायरेक्टली जो है 1.25 करोड़ का एग्जाम नहीं लिया जाएगा, इसे इन्होंने जो है स्टेज वाइज डिवाइड कर दिया है कि ऑलमोस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल 23 लाख जो कैंडिडेट होंगे वो स्टेज 1 में अपियर होंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, जो कि होगा 28 दिसंबर से 13 जनवरी 2021 तक। तो आप ये देख सकते हैं कि जो फर्स्ट स्टेज होगा सीबीटी का, जिसमें 23 लाख जो कैंडिडेट है वो इन्वॉल्व होंगे, वो एग्जाम देंगे, और जो ये एग्जाम होगा ये होगा 28 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच। तो 28 दिसंबर 13 जनवरी तक ऑलमोस्ट 23 लाख जो कैंडिडेट हैं वो इसका एग्जाम देंगे। अब ये जो एग्जाम होगा ये ऑल ओवर इंडिया होगा, तो आप देख सकते हैं जितनी भी सिटीज है इंडिया में वहां सब जो है ये एग्जाम जो है वो कराया जाएगा सब्सिक्वेंट फेजेस में। ओके, अब देखिए कौन से वो बच्चे हैं जिनका जो एग्जाम है वो 28 से 13 जनवरी के बीच होगा, ठीक है। तो इसके लिए देखिए लिंक फॉर व्यूविंग द एग्जाम सिटी एंड डेट एंड डाउनलोडिंग ऑफ ट्रेवलिंग अथॉरिटी फॉर SC ST कैंडिडेट विल बी मेड अवेलेबल ऑन ऑल RRB वेबसाइट 10 डेज प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ देयर एग्जाम। तो आपके एग्जाम स्टार्ट होने से 10 दिन पहले आपको जो है एग्जाम सिटी पता चल जाएगी। आप अपने लिंक पे अपना लॉग इन करके अपना एग्जाम सिटी या डेट या जो डाउनलोडिंग ऑफ ट्रेवलिंग अथॉरिटी फॉर SC ST कैंडिडेट है, तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको एग्जाम के ठीक 10 दिन पहले आपको विजिबल रहेगी कोई भी RRB की ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट इन्होंने बोला है डाउनलोडिंग ऑफ ई कॉल लेटर्स विल स्टार्ट 4 डेज प्रायर टू एग्जाम डेट, ठीक है। अब देखिए आपको एग्जाम सिटी पता चल गई, डेट पता चल गई, लेकिन आप जो अपना ई कॉल लेटर है या एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर पाएंगे 4 दिन पहले, यानी एग्जाम होने के 4 दिन पहले जो है आप अपना जो है ई कॉल लेटर जो है या एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उन कैंडिडेट की, कैसे आपको पता चलेगा कि आपका जो एग्जाम है वो 28 फरवरी से 13 जनवरी के बीच होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए इन्होंने थर्ड पॉइंट मेंशन कर रखा है कि इन्फॉर्मेशन टू द कैंडिडेट हु इज नॉट शेड्यूल्ड इन द फेज। तो इसमें इन्होंने मेंशन किया ऑन एक्सेसिंग द लिंक फॉर व्यूविंग द एग्जाम सिटी एंड डेट मैसेज विल बी डिस्प्ले डियर कैंडिडेट यू आर नॉट शेड्यूल्ड इन द प्रेजेंट फेज, प्लीज प्लीज वेट फॉर इंटीमेशन फ्रॉम RRB, ठीक है। तो देखिए अगर आप जो है उस पार्टिकुलर एग्जाम की डेट एग्जाम की डेट में अगर आप जो है वो प्रेजेंट नहीं है या आपका नाम नहीं है तो आप कैसे ये चेक कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको बस लॉग इन करना है। तो RRB की जो वेबसाइट है उस पर जाके आपको लॉग इन करना है। तो यहाँ पे आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, तो चलिए मैं आपको ये डेमो दिखा देता हूँ रजिस्ट्रेशन नंबर का, ठीक है। तो ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर मैं अभी लिख रहा हूँ, तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे जो है आपको पता चलेगा कि आपका एग्जाम होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है और डेट ऑफ बर्थ लिख के उसके बाद आपको लॉग इन करना है, ठीक। जैसे ही आप लॉग इन करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस टाइप का जो है लाइक इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा है डियर कैंडिडेट यू आर नॉट शेड्यूल्ड इन द प्रेजेंट फेज, प्लीज वेट फॉर इंटीमेशन फ्रॉम RRBs। तो जैसा इन्होंने यहाँ मेंशन कर रखा है कि अगर आप जो है तो 28 दिसंबर 13 जनवरी के बीच अगर आपका नंबर आता है या आप उन 23 लाख कैंडिडेट में होते हैं तो आपका यहाँ पे जो है एग्जाम सिटी रजिस्ट्रेशन एग्जाम सिटी साथ में आपका एग्जाम का डेट सारा यहाँ पे आ जाता। लेकिन आप जब इस पार्टिकुलर डेट में यानी 28 दिसंबर 13 जनवरी के बीच जो एग्जाम हो रहे हैं उन 23 लाख कैंडिडेट में आपका नाम नहीं है, तभी आपको यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा है डियर कैंडिडेट यू आर नॉट शेड्यूल्ड इन द प्रेजेंट फेज, यानी जो CBT का जो स्टेज 1 है उसमें आपका नाम नहीं है, आपको नहीं लिया गया, इसीलिए आपका जो एग्जाम होगा वो दूसरी स्टेज में होगा, ठीक है, या नेक्स्ट जो आपका एग्जाम डेट निकलेगा उसमें आपका होगा। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है डियर कैंडिडेट यू आर नॉट शेड्यूल्ड इन द प्रेजेंट फेज, प्लीज वेट फॉर इंटीमेशन फ्रॉम RRB। तो ये आप ये देख सकते हैं कि जैसे मैंने आपको अपना एप्लीकेशन में दिखाया कि यहाँ पे देखिए मैंने जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ लिखी तो उन्होंने ये डायलॉग बॉक्स आया डियर कैंडिडेट यू आर नॉट शेड्यूल्ड इन द
प्रेजेंट फेस, प्लीज वेट फॉर इंटीमेशन फ्रॉम आरबी, यानी कि नेक्स्ट जो स्टेज होगी, जो भी डेट आएगी एग्जाम की, उसमें मे भी मेरा हो सकता है, अगर नहीं होगा तो मे भी नेक्स्ट डे पे होगा, नेक्स्ट लाइक स्टेज में होगा। तो इस तरह के आपको वेट करना है, जैसे ही आपका अगर उस पार्टिकुलर फेज में आपका एग्जाम में आपका नाम आता है उन कैंडिडेट्स में, तो आपको यहाँ पे जो है मीन्स आपका जो एग्जाम सिटी है और जो आपका डेट है और साथ में साथ जो भी डाउनलोडिंग और ट्रैवलिंग और ट्रेटी है, वो सारा जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन अभी मेरा नाम नहीं है इसलिए मुझे ये सब इस टाइप का जो है डायलॉग देखने को मिला है। नेक्स्ट, फॉरगॉट एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर लिंक। तो अगर आप जो है अपना एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर लिंक जो है आप अगर भूल गए हैं, तो आप उसे जो है रिट्रीव कर सकते हैं बाय यूजिंग योर रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर या आपका डेट ऑफ बर्थ या फादर नेम या मदर नेम, ये सब जो भी वहां पे पूछा जाए, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है अपना एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो दोबारा पा सकते हैं। नेक्स्ट, इन्फॉर्मेशन के कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रिफर ओनली टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, प्लीज डू नॉट बी मिसलेड बाई अनऑथेंटिकेटेड सोर्स। तो इन्होंने मेंशन किया है कि आप जो है जो आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट या एनटीपीसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी को पे आप जो लेटेस्ट अपडेट हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस से रिलेटेड उस पर वही देखें, आप कोई भी दूसरे जो ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज होते हैं, जैसे कोई बोल देता है या कोई और वेबसाइट पे आपको देखने को मिलता है कि कुछ गलत इन्फॉर्मेशन या अनऑथेंटिकेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की जाती है, तो आप उस पर जो है बिलीव मत करिए। जो भी आप देखना चाहते हैं या जो भी अपडेट आएगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस रिलेटेड, वो आपको जो है आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। और ये नोटिफिकेशन आया है 17 दिसंबर को आया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।